हेलो मैं कैसे आप सब। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है मम्मी का बर्थडे और मैं और अच्छू जो है निकल चुके हैं मार्केट के लिए, क्योंकि हमें करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, लाना था केक वगैरह। और टाइम हो रहा था शाम के 5:30, क्योंकि इतनी ज्यादा धूप है कि घर से बाहर निकल का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब श्रीनगर पहुंचने वाले हैं हम लोग। बाकी सुबह और शाम का जो है मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है वहाँ पे, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। और साथ में जो है स्कूटी, जो हमारे ड्राइवर साहब हैं रच्चू जी, वो स्कूटी राइड करते हैं और हम लोग जो है पीछे स्कूटी का मजा लेते हुए, क्योंकि अभी जो है मैं भी स्कूटी चला लेती हूँ पर इतना ज्यादा है नहीं मेरे पे, मतलब मैं इतना ज्यादा चला नहीं पाती सही से। तो रच्चू जो है स्कूटी राइड करती है और हम लोग पीछे से मजा लेते हैं। तो फाइनली जो हम लोग पहुंच गए हैं श्रीनगर की नगरी में, और बहुत दिनों बाद जो है इस मार्केट को देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग जो है नॉर्मल जो है मार्केट में आते जाते रहते थे। तो बस मार्केट में जो है गलियों में हम लोग घुस चुके हैं अंदर। यहाँ पे जो है हमें लेना था सिम, तो थोड़ा सा दूर जाके हम लोगों ने यहाँ पे लिया है सिम। पापा ने कहा था कि हमें ले एक नया सिम लेके आना, तो उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे लिया है एक सिम। और उसके बाद जो है आगे हम लोगों ने शॉपिंग की है। बाकी आप लोग भी कभी श्रीनगर आएगा तो जरूर जो है श्रीनगर गलियों में घूमेगा, पूरी मिनी दिल्ली वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। तो बस हम लोग जब भी आते हैं उत्तराखंड तो श्रीनगर मार्केट जरूर घूमते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं और उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ से लिया सिम। और अब तो जो है जो सिम होते हैं वो एक दो घंटे में जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, वरना पहले जो है एक दो दिन लग ही जाता था उसको एक्टिवेट होने के लिए। तो बस उसके लिए जो है नॉर्मल चाहिए हमें आधार कार्ड और सिम। पापा के लिए लिया था तो रच्चू ने जो है अपने आधार कार्ड से एक सिम लिया, तो इसलिए यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए फोटो वगैरह खिंचवानी पड़ती है। तो ये है एयरटेल 5G का सिम। आप लोग कह रहे हो कितना सिम कर रही है। तो उसके बाद जो हम लोग आ गए यहाँ पे केक पेस्ट्री वगैरह लेने के लिए। नॉर्मली हम लोगों ने केक बनवाया नहीं था, बट जो वहाँ पे बना था वही हम लोग ने एगलेस केक लिया, क्योंकि एगलेस वाला केक बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। आप जब भी केक ऑर्डर करिए फिर केक लें तो आप मेक श्योर करिए केक जो है एगलेस ही हो, क्योंकि एग वाले केक में ना अजीब सी स्मेल आती है, जो उसका बेस होता है उसमें अजीब से अंडे वाली स्मेल लगती है। मैं तो हमेशा जो है एगलेस केक ही प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पेस्ट्री वगैरह ली, केक वगैरह लिया, तो ये है केक जो हम लोगों ने जो है फाइनली लिया है, ये है पाइन एप्पल का। उसके बाद यहाँ पर रच्चू जो है अपने लेने लग गई थी गॉगल्स, और उसको जो है मतलब लेने थे गॉगल्स पर उसको कुछ ज्यादा पसंद आए नहीं। उसके बाद जो है एक दो गॉगल्स हम लोगों ने ट्राई किए, कुछ ज्यादा नहीं। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे आए हैं चाट वाले के पास, एसके चाट। श्रीनगर में जो बहुत ज्यादा फेमस है, जब भी श्रीनगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे जो एसके चाट में भर भर के जो है चाट वगैरह हम लोग खाते हैं, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फूड मिलता है यहाँ पे। तो उसके बाद जो हम लोग तैयारी हो गई थी घर निकलने के लिए, बस सारी पैकिंग वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे करवा दी। तो अब हम लोग जो है निकल चुके हैं घर के लिए। टाइम मेरा शाम के 7:30 होने वाले थे, क्योंकि जल्दी जल्दी भी हम लोगों ने जो है कुछ लिया नहीं, क्योंकि अंधेरा भी जल्दी हो जाता है वहाँ पे, और अंधेरे में तो सभी जानते हैं कि थोड़ा डर वगैरह बहुत ज्यादा लगता है। तो बस यहाँ पे जो हम लोगों ने केक वगैरह लिया, थोड़ी सी सिम ली, और मुझे कुछ ज्वेलरी का सामान लेना था, वो मैंने जो है ज्वेलर से लिया। उसके बाद जो हम लोग निकल गए घर के लिए, क्योंकि मौसम शाम के टाइम का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो जब भी जो है हम लोग बाजार जाते थे तो शाम को ही जाते थे, और यहाँ पे बुटला जी और सौम्या और शौर्य जो है पीछे से आ रहे थे, वो भी कहीं गए हुए थे। तो बस ये है सामने कीर्ति नगर, और यहाँ से जो है सामने का व्यू देख सकते हैं, क्योंकि सनसेट हो चुका है और बहुत ही ज्यादा औसम नजारा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो फाइनली घर आके अब है करते हैं यहाँ पे डिनर की प्रिपरेशन। तो आज डिनर में बन रहा है हमारा वाइट छोले, और साथ में बन रहा पनीर रोटी बन रहे हैं यहाँ पे। मीटिंग में हम लोग जो मिठाई लेके आ गए थे, तो बस यहाँ पे जल्दी से जो है प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमें करनी थी केक कटिंग। और अच्छी गई थी यार ये वीडियो इतनी ज्यादा व्हाइट क्यों आ रही, तो मैंने कहा शायद इसे कैमरे में कुछ फॉग वगैरह लगा हो, इससे जो है इस तरीके से आ रहा था ये। फिर मैंने जो है कैमरे को साफ किया और उसके बाद दोबारा से उसको जो है यहाँ पे सेट कर दिया है। बाकी खाने की वीडियो जो है आपके साथ शेयर नहीं हो पाई है, कभी जो है माइंड से स्किप हो जाती चीजें कि हाँ कुछ करना है। तो बस यहाँ से जल्दी से जो है खाने की प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों ने की केक कटिंग सेरेमनी। तो वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चाकू से नहीं खिलाना।
बस अब नाना जी की बारी। नहीं खेल नहीं है, गेम से खेल देखो ये। अब नाना की बारी है, चलो अब नाना की बारी है। अब मैं खाऊंगा, कौन कौन खाएगा मेरे हाथ से? नानी खाएगी बस। उससे गिरे हुए लीजिए भाई, प्रधानमंत्री मोदी बड़ी मोदी जी, मोदी जी बुलाओ जल्दी ना। चलो चलो ये जाओ देखा चलो अब हटे तो देखा चलो क्या 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 समय बुरी हाँ देखो सॉरी आई हूँ भैया भैया क्यों ऐसे क्या है? दो को तो जाओ ना, दोनों जाओ भैया भैया करो तो गाओ। तेरी मुंडिया ने मेरी मैं वीडियो बना मैं टाइमलेस में वीडियो को बना यार जो बच्चे भी तेरी वो तो गई हो गई उतरी भाई साहब सो मैं हटो बेटा केक खिला केक खिला नहीं हो नानी का नानी खोलेगी उसको वो नानी का है पढ़ो क्या लिखा है आंटी पढ़ो क्या लिखा है क्या लिखियो गुडरी गुडरी लिखा गुडरी लिखा सरोला है सरोला केक बांधने वाला सरोला